गाइस, अगर आपके स्मार्टफोन में भी जो सिम डली हुई है वो किसी बैंक अकाउंट से लिंक है, या आप अपने स्मार्टफोन में इंटरनेट बैंकिंग का यूज करते हैं या मोबाइल बैंकिंग का यूज करते हैं, तो आप हो जाए सावधान। अगर आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज करते हैं तो आपका पूरा का पूरा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक सरकारी बैंक कह रहा है जो काफी माना धाना बैंक है, जिसका नाम SBI है, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसने साफ अनाउंस किया है, और यह किस वजह से अलर्ट जारी किया है और इसके अंदर क्या क्या नुकसान हो सकता है जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा सिर्फ एक चार्ज करने से। अगर फोन चार्ज किया तो अकाउंट पूरा खाली, ऐसा क्यों अलर्ट जारी किया है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आज आपके सामने रखूंगा। तो गाइस, ज्यादा समय ना लेते हुए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, यह अलर्ट केवल SBI कस्टमर्स के लिए नहीं है, इंडिया के अंदर जितने भी बैंक हैं उन सभी के कस्टमरों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। एक तरीके से यह अलर्ट क्या है, SBI ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर एक ट्वीट करा है जिसके अंदर SBI ने साफ क्लियर किया है कि इस खतरे के अंदर क्या क्या नुकसान होंगे। तो SBI ने बताया है कि अगर आप अपने फोन को कहीं पर भी चार्ज करते हैं, मतलब ये नहीं है कि आप जो घर पे चार्ज करते हैं उससे आपका फोन हैक हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप किसी बाहर दूसरे प्लेस पे गए हो, वहां पे चार्ज करते हो बिना अपने चार्जर के थ्रू, जैसे पब्लिक प्लेस के अंदर चार्जिंग पॉइंट बने होते हैं, मतलब एक USB केबल्स लगी होती हैं वो ऑटोमेटिकली आपके फोन को चार्ज कर देती हैं, ऐसे काफी सारे प्लेस होते हैं जहाँ पे चार्जिंग पॉइंट बने होते हैं, वहां से अगर आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज करते हो तो इसका बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अब खतरा क्या है वो बता देता हूं। अगर आप किसी भी पब्लिक प्लेस में किसी भी अदर USB पोर्ट के थ्रू चार्ज करते हैं तो उसके थ्रू आपके स्मार्टफोन में एक मैलवेयर आ जाएगा। ये एक तरीके की स्क्रिप्ट होती है जो आपके फोन का डेटा या मोबाइल के अंदर जितने भी पासवर्ड और यूजर नेम होते हैं उन सबको एक हैकर के पास भेजता है जो ये स्क्रिप्ट बनाता है, तो उसके पास ऑटोमेटिकली भेज देता है। ये स्क्रिप्ट आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी अगर आप किसी भी पब्लिक प्लेस के चार्जर पॉइंट से चार्ज करते हैं तो। ये काफी बड़ा खतरा है। इससे क्या आपका नुकसान होगा कि आपकी जितनी भी पर्सनल डिटेल है और आपका यूजर नेम पासवर्ड हर एक चीज आपके जैसे ही मोबाइल में इंटरनेट चालू होगा, इंटरनेट चालू होते ही ऑटोमेटिकली शिफ्ट होना चालू हो जाएगा उस हैकर के पास, और इस खतरे का नाम जूस हैक। इसके अंदर पूरा का पूरा फोन का डेटा पूरा का पूरा हैक करके एक हैकर के पास भेज दिया जाता है, जिससे आपका बैंक अकाउंट तो खाली होगा ही होगा, उसके अलावा आपकी जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी उस हैकर के पास चली जाएगी। ये काफी बड़ा रिस्क है अपने स्मार्टफोन के साथ। तो गाइस, आप कोशिश यही करें कि आप बाहर अगर ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं पर भी ट्रेवल कर रहे हैं, तो अपना ट्रेवल चार्जर, मतलब जो घर पे आप जिस चार्जर से चार्ज करते हैं उसको साथ लेकर चले। बाहर किसी भी पब्लिक प्लेस के चार्जिंग पॉइंट से अपने स्मार्टफोन को चार्ज ना करें, तो क्योंकि ये आप ही के लिए रिस्क है। अगर आपका स्मार्टफोन किसी, मतलब जो उसके अंदर सिम है किसी बैंक से लिंक नहीं भी है और आप यूज भी नहीं करते कोई यूजर नेम और पासवर्ड, फिर भी आपके लिए खतरा ही है, क्योंकि इसके अंदर आप ईमेल आईडी तो यूज करते ही होंगे, उसका यूजर नेम और पासवर्ड भी है, और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन बहुत सारी होती है स्मार्टफोन के अंदर, तो वो सारी हैकर के पास जा सकती है। इसलिए कोशिश करें अपना ही चार्जर लेकर ट्रेवल करें। तो गाइस, यही एक अलर्ट था जो आपको बताना जरूरी था, जिससे आप संभल सके और अपने बैंक अकाउंट को बचा सके और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी बचा सके। गाइस, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को करें लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।